नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आम के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से आम का अचार बनाया है। तो ये देखिए, एक पहले हम बर्तन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे हल्दी, नमक, इन सबको हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। और ये जो आम हमने काट करके रखे हैं, तो आप मैंने इस तरीके से काटे हैं, बड़े काटे हैं, और इस तरीके से आप चाहे तो छोटे भी काट सकते हैं या मार्केट से भी कटवा सकते हैं। मैंने घर में ही काटा, इस तरीके से भी कट करें, कुछ छोटे और कुछ बड़े, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े काट सकते हैं। और इसका जो ये काला काला, ये पूरा निकाल देना है, कुछ कुछ में रह गया था। तो पहले हमने इसको आम को धुल लिया था और फिर इसके बाद काट लिया, और काटने के बाद एक बार फिर से धुला था। तो इन सारे आमों को हम इस तरीके से लपेट लेंगे हल्दी और नमक में। अब ये जो हमारे लपेट गए हैं, तो इनको हम भर देंगे डब्बे में। जो आम के टुकड़े को हम लपेट रहे थे, वो हम इस डब्बे में भर दिए हैं, और बचे हुए आम के टुकड़ों को हम इसी तरीके से लपेट करके इस डब्बे में भर देंगे। तो जो बचे हुए आम के टुकड़े थे, उनको भी मैंने इस तरीके से इस डब्बे में भर दिया है। और अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन और रख देंगे कल तक के लिए। फिर कल हम इसको देखेंगे कि क्या करना है। जो कल हमने हल्दी और नमक तो लपेट करके रखे थे इसमें आम के टुकड़ों में, तो ये एक दिन हो गया है, इस तरीके से हो गया है, ये पानी छोड़ दिया है। तो चलिए इसको हम फैला लेते हैं। ये आम के टुकड़ों को इस तरीके से फैला दिया है और रात भर इसी तरीके से हम इसे छोड़ देंगे। ये देखिए, रात भर हमने इसे पंखे के नीचे सुखाया है, इसे धूप में नहीं सुखाया जाता है, पंखे के नीचे ही सुखाया जाता है। अगर आप इसे धूप में फैलाएंगे तो ये काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम इसे पंखे के नीचे ही सुखाते हैं। इस तरीके का ये देखिए हो गया, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। अब चलिए हम मसाले की तैयारी करेंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे तेज फ्लेम में। अब हम इसमें डाल देंगे राई, राई को भून लेंगे। ये देखिए, राई को भूनते समय थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि ये काली होती है तो अपने समझ में नहीं आती है कि कितनी भूजी है और कितनी नहीं। तो ये देखिए, जब चिड़चिड़ की आवाज़ करने लगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी राई भून चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हमने फिर से कढ़ाई को रख दिया है और गैस को जला दिया है तेज फ्लेम में। और अब हम भून लेंगे धनिया को। धनिया को तब तक भूनना है जब तक अच्छी खुशबू नहीं आने लगे और थोड़ा सा लाल हो जाएगी, तब तक भूनना है। धनिया भी अच्छी तरीके से भून चुकी है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। फिर से कढ़ाई को रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में। और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा और इसे भी भून लेंगे। जीरा भी भून चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में। और अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ, भून चुकी है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। और कढ़ाई अभी भी गर्म है तो थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से चला लेंगे और इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। कढ़ाई को रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में। और अब हम इसमें डाल देंगे मेथी और इसे भी भून लेंगे। ये देखिए, मेथी दाना भी हमारा भून चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हम चला लेंगे, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है वो गर्म है। अब हम निकाल लेंगे इसे एक बर्तन में। मसाले हमारे पीस चुके हैं। अब हम एक बर्तन ले लेंगे और अब उसमें डाल देंगे ये राई। राई हमने इस तरीके से पीसी है, कुछ खड़ी है और कुछ पिस गई है, दरदरा ही इसे पीसना है, पूरा अच्छी तरह से महीन नहीं करना है। और अब डाल देंगे धनिया। तो धनिया को अगर चाहे आप तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं छाना है, इसे भी भून लिया था। और अब हम डाल देंगे जीरा। तो जीरा और सौंफ दोनों को मैंने साथ में ही पीस लिया है। और ये है कलौंजी, करायल, तो इसे हमने ना भूना है और ना ही पीसा है, इसे इसी तरीके से डालना है। और अब डाल देंगे हींग, तो इसे भी नहीं भूना है। मेथी दाना, तो इसे भी भून करके और पीस लिया है, लेकिन छाना नहीं है, अगर आप चाहें तो छान भी सकते हैं। ये दरदरा नहीं है, महीन ही इसे पीसा है, क्योंकि मेथी दाना महीन ही पीसा जाता है। और ये मिर्ची, ये घर की पिसी हुई मिर्ची है, अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको तीखा पसंद है उतना डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, क्योंकि ये घर का बना हुआ है। और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। नमक ज़्यादा ही पड़ता है, नमक ज़्यादा डालिएगा तो अचार ख़राब नहीं होता है, साल भर कैसा भी नहीं होता है, बहुत अच्छे से रहता है, तो इसलिए नमक ज़्यादा डालते हैं। मसाले को अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब डाल देंगे हम लहसुन। लहसुन को छील करके पीस लिया था और इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से।
तो ये अचार का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा निकाल करके रख देंगे। इसके बाद हम इसमें आम लपेटेंगे और अगर घट जाएगा मसाला तो हम इसे फिर से डाल देंगे इसी में। तो ये देखिए अचार का मसाला पूरा अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, तो सरसों का तेल डाल रहे हैं और सरसों के तेल से ही अचार अच्छा बनता है, तो आप भी सरसों का तेल ही यूज करिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा अचार बनता है। अब हम इसमें एक कटोरी तेल और मिलाएंगे। तो तेल को पहले अच्छा गर्म कर लिया था और इसके बाद ठंडा करने के बाद मिला रहे हैं, तो आप भी इसी तरीके से करिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आपको बहुत पसंद आने वाला है ये अचार, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो ये देखिए सारे मसाले मिल चुके हैं, तेल भी अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आम के टुकड़ों को, जिसको हमने कल सुखाया था, तो रात भर हमने इसे पंखे के नीचे रखा है, इसे धूप में नहीं रखा जाता है, पंखे के नीचे ही रखते हैं इसे। तो इस तरीके से हम मिला लेंगे इसे। तो ये देखिए मसाला इसमें मिल चुका है, अब हम इसे भर लेंगे डब्बे में। तो हाथ को धो करके अच्छे से और हाथ को सुखा लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। हम अब ये आम के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा इस तरीके से दबा देंगे, बिल्कुल भी पोल नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अचार हमारा रख गया है, इसको हमने दबा दबा करके अच्छे से रखा है, बिल्कुल भी पोल नहीं होनी चाहिए, तभी अचार अच्छे से रहता है साल भर। ये हमारा साल भर टिकने वाला आम का अचार बन करके तैयार है। बनाने में थोड़ा सा इसे टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छा अचार बन करके तैयार होता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।